ओ भाई हाँ हाँ, मेरे से और इडली नहीं खाई जाएगी यार। सच में मेरा पेट भर गया है। अब तो इन इडलियों की तरफ देखता हूँ ना तो मुझे अजीब सा फील होता है। भाई मेरा तो साल भर का कोटा पूरा हो गया इन इडलियों का। भाई सुबह से कुछ नहीं तो 100 इडलियां खा चुका हूँ। अबे इतने तो मैंने आज तक एक दिन में अंडे नहीं खाए थे बे। अबे भाई हम लोग सुबह से 7 से 8 साउथ इंडियन रेस्टोरेंट घूम चुके और अब तक तेरी मुमताज महल ना दिखी। भाई तुम दोनों कुछ पागल हो क्या यार? अबे चुप रहा करो थोड़ी देर यार। इडली नहीं खानी मत खाओ, बड़ा खा लो, इतना टेस्टी होता है। प्लीज भाई। और सुनो, तुम्हारा पेट खराब हो रहा है ना, फ्रेश लाइन सोडा मंगा देता हूँ, उससे सही हो जाएगा। मम्मा बिल्स के पेपर टाइम पे मिल तो जाएंगे ना? लॉयर अभी तक आए नहीं, पता नहीं कब आएंगे। और कोर्ट क्लोज हो गया तो? रिलैक्स बेटा, मेरी बात हो गई है, बिल के पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है? तुम स्ट्रेस मत लो। अम्मा का फोन। हेलो जी अम्मा, बोलिए। व्हाट, रोहन को रिलीज कर दिया? दैट्स अ ग्रेट न्यूज, हम आते हैं। ओके ओके बाय। मामा रोहन को रिलीज कर दिया है, पापा मिनिस्टर के पास गए थे रोहन के बात करने के लिए, वो सब घर पे आ रहे हैं। आई थिंक वी शुड गो, लेकिन उससे पहले ना हमें कुछ खाने पीने के लिए लेके जाना चाहिए। मिठाई नहीं, मिठाई उसे पसंद नहीं है, चिकन टिक्का लेके जाना चाहिए, और उसके साथ इडली उसे बहुत पसंद है, और डेविल्स डिलाइट थोड़ा डाइट कॉन्शियस है बट हाँ उसे बहुत पसंद है, वो लेके चलते हैं अम्मा। आई एम सो सॉरी, मैं स्टूपिड्स की तरह बात कर रही हूँ, मुझे डर है। बेटा तुम एक ऐसी लड़की की तरह बात कर रही हो जिसे रोहन की बहुत फिक्र है। चलो पिकअप कर लेते हैं सब। क्या हो गया? देख भाई बंदी तेरी है तो ये साउथ इंडियन खाना भी तू ही खाएगा। भाई मेरे से और इडली नहीं खाई जाएगी यार, मैं पेट भर गया है। अबे मुझ जैसे जिम जाने वाले लौंडे को सुबह से साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में घुमा रहा है और ये खिला रहा है, ये इडली वड़ा उत्पम। भाई मैं भी नहीं खा पाऊंगा यार। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, हाँ पैक करवा देता हूँ, है ना, कुछ और खा लेते हैं। भैया यार ये सब ना पैक कर दो और ना पीने के लिए ले आओ कुछ अच्छा सा। मामा यहीं पे रुक, तुझे स्टॉप ही हो। क्या हुआ? यहाँ की इडलीज ना बेस्ट होती हैं, तो यहीं से पैक करवा लेते हैं। पार्टी की इडली से भी बेटर। आई एम श्योर रोहन ने तुमसे कहा होगा कि उसे यहाँ की इडली पसंद है ना? हाँ एक्चुअली रोहन को यहाँ की इडली पसंद है और मैंने उसे पार्टी से कहते सुन लिया था कि उसे इडली खाने का मन है, तो मैं लेके आती हूँ, ठीक है? या यू गो, आई एम वेटिंग हियर। थैंक यू भाई, मुझे पता था जरूर मिलोगी। तो भाई मैंने कहा था ना, खुद ही देख लो अपनी भाभी को अपनी आंखों से। पूरी कहाँ है? कहाँ है भाई? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ नहीं यार, ये यहीं पे तो थी। कहाँ है? कहाँ पे है? सच में यहाँ पे थी यार। ओ भाई कहाँ पे जा रहा तू? ये मरवाएगा यार। अब हेलो मामा, अच्छा मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि पीयू के लिए मसाला डोसा ले लूँ, उसे पसंद है ना? हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट पे आ रही हूँ। बाय। इधर बैठ जा। एक भाई ऐसे फटकने से बंदी नहीं मिलने वाली, समझा? ऐसे भी पूरा दिन निकल गया है यार, और कुछ काम तो हुआ नहीं और ऊपर से इडली और खानी पड़ रही है तेरी वजह से। देख भाई अब बहुत हुआ तेरा, तो चुपचाप इस इडली के पैकेट को उठा और इस लव डायमेंशन को छोड़कर हमारे साथ चल, समझा? पता नहीं कहाँ पे खोया हुआ है, अरे दिन खराब कर दिया। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो?
ऊपर से दिख रही है यार। नहीं यार, आंखों का दुख है। अभी आप किसे देख रहे हैं ऐसी आंखें फाड़ के? क्या हो गया? किसी को नहीं भाई। अबे भाई, ये तो वही बंदी है, अपनी भाभी। हाँ भाई, तो वही बंदी है। हाँ यार, तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो है बे। नाइस चॉइस भाई, बहुत सुंदर है। सुपर रस्ता निकला। सुनो कमीनो, मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? ना भाई, रियलिटी है, देख तो जरा। अबे वही है बे भाई, मुझे तो वही दिख रही है अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़ी बड़ी। कसम वही, वही है। मेरी कसम का। तेरी कसम। लड़की है क्या? बैठा बैठा क्या कर रहा है? जाओ मिल, चली जाएगी। तू जा, शर्म आ रही है। अबे तू जा बे, जा रही है, जा रही है। मिल गया सब? हाँ, सब ले लिया। लेट्स गो, लेट्स गो। से मिस हो गई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।